तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी का एक ऐसा शो है जिससे दर्शक सबसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इस शो में हर किरदार कुछ ऐसा है कि लोग शो की तरफ खींचे चले आते हैं। वहीं जब बात किरदारों की हो रही है तो पोपटलाल की बात करनी जरूरी है। वो इस शो में एक ऐसे पिलर हैं जिनकी वजह से कहीं न कहीं ये शो टिका हुआ है। इस किरदार को एक्टर श्याम पाठक निभा रहे हैं। वो पहले दिन से ही इस शो से जुड़े हुए हैं। श्याम के लिए ये शो जितना जरूरी है उतना ही जरूरी वो इस शो के लिए भी है। पत्रकार पोपटलाल की शादी कब होगी ये तो पूरी दुनिया जानना चाहती है। हालांकि इस सवाल का जवाब तो लगता है मेकर्स के पास भी नहीं है, लेकिन इस शो के लिए वो कितने फीस लेते हैं अब फैंस ये जरूर जान सकते हैं। दरअसल अब श्याम पाठक की एक एपिसोड की फीस कितनी है वो रिवील हो गई है। तारक मेहता से श्याम पाठक को इंडस्ट्री में असली पहचान मिली है और साथ ही अच्छी सैलरी भी। उनकी एक एपिसोड की फीस जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बता दें, श्याम पाठक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है। हालांकि सबसे ज्यादा फीस तो जेठालाल यानी दिलीप जोशी ही लेते हैं। अब अगर इन दोनों की फीस की तुलना की जाए तो आपको जमीन आसमान का अंतर साफ नजर आएगा। आपको बता दें कि श्याम पाठक की सैलरी दिलीप की सैलरी से 60% कम है। अब उनकी सटीक सैलरी तो रिवील नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि श्याम एक एपिसोड के 60,000 रुपए वसूलते हैं, जो कि दिलीप जोशी एक एपिसोड के करीब 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। यानी दिलीप जोशी एक एपिसोड के श्याम से 90,000 ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन लीड एक्टर और सपोर्टिंग रोल में इतना फर्क तो देखने को मिलेगा ही। फिलहाल इस खबर पर आपको क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।